गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आते हैं डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसकी हमें बहुत हद से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस पर बनाते हैं वीडियो को। आपको टाइटल बताते हैं, मुंबई मेन सेलिंग डोसा ऑन साइकिल फ्रॉम 25 ईयर्स इंडियन स्ट्रीट फूड। 25 सालों से सेल कर रहा है डोसा, जो मतलब मुंबई की डिश है। तो 25 सालों से वो सेल कर रहा है और वो भी किस पे? साइकिल पे। कितना हार्ड वर्किंग बंदा है। पहले तो वीडियो देखेंगे तब भी सही से पता लगेगा, क्योंकि इसका यार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया तो इसको देखना बनता है। तो काउंट ऑन करते हैं, काफी मेहनती बंदा लग रहा है 25 साल से भाई। बिल्कुल। तो काउंट आमची मुंबई का वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई कितना बहुत मुश्किल है यार, कितना सिंपल सब हुआ भाई। सिंपल तो है ही है, ये देखो कि कितना मुश्किल से साइकिल को देख, कितना भारी वजन के साथ। कितना साल हो आंटी? 25 साल तो हुआ। 25 साल? 25 साल के ज्यादा हो गया। 25 साल हो गया? 25 साल हो गया आपको? अभी लॉकडाउन में 6 महीना नहीं किया। अच्छा, और हर दिन आते हैं यहाँ? हर दिन आते हो? और टाइमिंग क्या है यहाँ पे? 4 के बाद ही आते हैं। 4 के बाद आते हो? डोर टू डोर लोगों के पास इनका फोन नंबर है। हाँ, फोन नंबर मतलब है यहाँ पे। आप सर्विस देते हो यहाँ आके? शिमला मिर्च। और क्या प्राइस है ये पिज्जा डोसा की? पिज्जा डोसा 100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए। मैसूर मसाला 60 रुपए लेते हैं। मसाला 30 रुपए। मसाला 20 रुपए। सादा 20 रुपए। सादा 20 रुपए का वो भी डोसा। बहुत फेमस डिश है इंडिया, बहुत ज्यादा। ये देखें डोसे के भी मुख्तलिफ नाम है, मसाला डोसा और पता नहीं कौन कौन मतलब से इस तरह। हाँ, जो स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी है ये बना रहे हैं 25 साल से भाई। बड़ी मेहनत की है इस बंदे ने। काट रहा कितना फास्ट है, एक्सपीरियंस हो गया ना काफी। अगर डोसा बनता कैसा है वो आज हमें पता भी लग जाएगा। ये सारा वो बनाया एक जगह पे रखा है। अरे इस तरह का होता है गोल भाई। ये देखो भाई डोसा जैसे डोसे की तरह पतला ही रखेंगे। पिज्जा बना। अच्छा पिज्जा टाइप को बना रहा है, मतलब पिज्जा टाइप बड़ा वाला, बड़ा वाला इसमें कटिंग करके आ गया। सारा डाला है। अच्छा ये 100 रुपए का बड़ा वाला मोटो। और ये क्या मसाला ऐड हो रहा है? मसाला कौन सा है ये? यार का मसाला साउथ का स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाला है? अच्छा स्पेशल मसाला है। ये डोसा में यूज करते कल। और ये कौन सी चटनी जा रही है? चटनी टोमेटो लहसुन का। अच्छा लहसुन का। ये बनाने वाले चटनी शेजवान सॉस जा रहा है बनाने वाले। अच्छा बनाया हुआ है आपने। वाह ये क्या डाला? ये बना ले घर पे। अच्छा अब इसको खिलाएगा। वाह वाह वाह। डोसा जलता नहीं है नीचे से क्या? हाँ बेची डोसा। वाह भाई क्या मिक्स किया। वो आंटी कह रही थी कि 25 साल से आता है लोगों के पास, इसके नंबर है मतलब आते हैं बुलाते हैं। और ये क्या ऐड हुआ अभी? घी है। ये घी यूज करते हो आप? इडली घी। घी? अच्छा घी, देसी घी। अच्छा उधर भी डालडा चलता है। तो एड्रेस क्या है यहाँ का? ये देसी घी है। देसी। और कौन सा ये लेन बोला जाता है? एनएल कॉलेज के पीछे रोड नंबर 1। अच्छा एनएल कॉलेज के पीछे रोड नंबर 1। ये आंटी जी बता रही है हमको, इनको पूरा एड्रेस बता है। यार जाओ यार आप लोग भी इनकी हेल्प करो इस तरह, मतलब ऐसे लोगों से लेना चाहिए। बिल्कुल। वाह यार क्या मस्त चीज बन रही है भाई। वाकई यार 100 रुपए का सिर्फ भाई, इसमें मेहनत कितनी लगती है देखो।
अरे डोसा जलता नहीं है नीचे से क्या? काफी देर से पड़ा है गर्म चीज पे। हाँ यार ये सोचने की बात है। नहीं तो जल जाती है ऐसी चीज। शायद हल्की आंच पे रखा हो। ये धनिया गया ऊपर से। पिज्जा बन रहा है भाई, क्या मस्त पिज्जा 100 रुपए में भाई। इसके ऊपर डालेगा आप मेरा जितना ख्याल। वही तो मैं देख रहा हूँ। इसका चटनी है। अच्छा उनको दिए। भाई इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत मस्त होता है। एक पिज्जा डोसा में दो क्यूब। दो चाहिए। आंटी साथ है मेरे ख्याल से इन अंकल के। हाँ है ना। हाँ शायद वाइफ हो इनकी। हो सकता है। देख कितना भाई साथ दे रही है अपने। बिल्कुल यार, यार कमाल है। सल्यूट है यार। ये पी है चीज भाई। यार ये आंटी शायद साथ ना हो। जिस हिसाब से जो मटेरियल सामान सब चाहिए सब है आपके पास। मौज रहे ला भाई चीज। भाई 100 रुपए में बहुत कम। ये सस्ता नहीं है बहुत ज्यादा। ये देखो ये तो ग्रेडी भी हो गया भाई। व्हाट द हेक, इतना मजे का पिज्जा 100 रुपए में। पानी आ गया यार। अरे क्या बात है यार। ओ ये भाई कैसा डोसा है। 100 रुपए में फुल पिज्जा मिल गया। अरे अभी सर्व कर रहे हैं। क्या वर्कर है बंदा। वाओ वाह भाई वाह भाई वाह। क्या भाई चीज है यार। 100 रुपए में मजे लो भाई। ये देखो पूरा पिज्जे की स्लाइस लग रही है। सीरियसली यार ये देखो भाई। ओ मजा आ गया भाई। अभी भैया मैं खा रही हूँ। देखने में तो स्वाद है। अच्छा भैया खा के देखती हूँ कि कैसा। अच्छा ये साथ ले रही है। ले रही है। तीखा तो लगेगा लेकिन। वाओ भाई चटनी के साथ ले रही हूँ। आंटी कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है। हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। अच्छा, कमाल है यार, कमाल है यार। गरम है पर अच्छा है। गरम है। इसी साथ ये वीडियो खत्म। यार इस बंदे की पहले मेहनत को सलाम और दूसरी बात जिस तरीके से बेच रहा है और इसकी क्वालिटी इतनी मस्त है और दूसरी बात यार 100 रुपए मुंबई में फास्ट फूड कितना सस्ता है पहले मुझे ये बताओ यार। इतना सस्ता यार। चलो इधर 200 का भी कार तो मैं नहीं मानता। नहीं मिलता इतना है। ये दे मतलब भाई क्या मतलब यार। वो जो इस तरह अंकल ने जिस तरह किया था ना ये गोल सा मतलब उस तरह। आप एक तो हैरान क्यों हो। मैं हैरान। एक और वीडियो लग गई उसमें हैरान हुए। मैं सच में वो उतर डाला। वो अभी नहीं दियो। आप कंफ्यूज लगते हैं। आप देश के अंदर से नहीं निकल पा रहे। वो कोई और वीडियो को देख कर भाई कहते हुए सच में सच में। तो भाई यार बहुत ही मस्त चीज थी जो भी थी यार। बताया ना भाई यार मैं तो सच में खो गया था। मुझे तो दूसरी वीडियो स्टार्ट हुई मुझे तो अंदाजा नहीं लगा कि किस तरह यार। नहीं मुझे हंसी से ही अपने को ये देख। नहीं यार दूसरी बात सच्ची बात बोलूं बहुत एक मस्त है। इंडिया में एक स्ट्रीट फूड का अपनी मयार है और वो इतना सस्ता स्ट्रीट फूड इंडिया का होता है। मैं वो हैरान हूँ यार। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मतलब मुझे मैं इतना वो खोया हुआ था कि मुझे इतना नहीं पता चला कि यार हमने हेडफोन भी उतार दिए। मैं दूसरी वीडियो देख रहा हूँ। दूसरी वीडियो यार कमाल है यार। क्या जबरदस्त किस्म के उसमें बनाई है बंदे ने यार। कमाल कर दिया उस बंदे ने भाई यार। ये होती है मेहनत। 25 साल से लगा हुआ है इसके पास। एक मतलब वो है पहले मैं बीच में वाइफ उस लेडी को बुला ली और सबको मतलब वो दूसरे भाई को जो वीडियो बना रहे थे शूट कर रहे थे उनको बता रही थी इस तरह। तो हम ये पहले ये समझे कि शायद कोई वाइफ या कोई। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसे लोगों से चीज ज्यादा लें। आप रेस्टोरेंट्स बड़े उनसे भी लेना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों को देखें और उनसे मतलब ज्यादा लें। क्योंकि यार कितना मुश्किल होता होगा एक साइकिल को उठा पकड़ कर यूं चल के आना। चल के आना और वजन उसके कितना होगा। कितनी चीजें बड़ी होती है यार। भाई ये जो करता है उसको पता होता है। एक पेट घर वालों का पेट भरने के लिए इतना मेहनत करता है। और यार ये 100 रुपए में मुझे बिल्कुल रीजनेबल
रीजनेबल लगा। रीजनेबल क्या, बहुत ज्यादा सस्ता लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में अब मुझे नहीं पता क्या है, मैं अपने लिहाज से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत इधर महंगा, बहुत सस्ता लगा, इधर तो बहुत महंगा है। और भाई सीरियसली बहुत मजे का था, बहुत मजे का यार, अगर हम होते तो अभी तक। सही बात है यार, मैं आप बता नहीं सकता मुंह में कितना हमारे पानी आ रहा है। बिल्कुल। सो यार मजा आया ये वीडियो देखकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनके ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, बाय।